तो यहाँ पर बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच फर्स्ट टेस्ट मुकाबला जो खेला जाएगा काफ़ी धमाकेदार जाने की उम्मीद है वैसे देखा जाए टेस्ट मुकाबला इंडिया का जो बांग्लादेश में भी हुआ था तो वहाँ पर भी हम लोगों ने धमाकेदार मिनी जी तक विन किए थे सारे लीग पे तो आशा करते यह मुकाबला भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है खासकर इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टेस्ट तो दोस्तों अगर यदि आप इस मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना क्योंकि वहाँ पर मिलेगा फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ इनके अलावा जी से रिलेटेड जानकारी भी मिलेगी और हमारे बहुत सारे भाई लोग जी विन कर भी रहे हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है तो मेरे भाई जैसा कि आप हमारा इस प्रकार से वीडियो देख रहे होंगे ये हो गया डिस्क्रिप्शन इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा इस ब्लू वाले पे ब्लू वाले पे आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे वहाँ पर दिखेगा ज्वाइन आपको ज्वाइन हो जाना है वहीं पर मिलेगी फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ एक चीज़ और मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हु आपको डोमेस्टिक प्लेइंग ले नजर आएंगे उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जरिए ही जुड़ना है तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को समझना है खेला जो जाएगा वो नागपुर में खेला जाएगा यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आया है इंडिया में खेले जाने का मतलब है कि स्पिनर को मदद मिलेगा तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा आर अश्विन इम्पोर्टेंट होने वाला है क्या अक्षर और कुलदीप में से किसी एक अन्य को भी मौका मिलेगा तो वो चलिए प्रोबेबल पिल्लिंग देखते हैं तो स्पिनर पे थोड़ा सा खास ध्यान देना है और इंडिया का स्पिनर मजबूत है ऑस्ट्रेलिया की तुलना पे और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को स्पिनर के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल तो होता है लेकिन यहाँ पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी ज्यादा मजबूत नजर आती है क्योंकि उनके पास तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में रन बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंडिया के प्रोवेबल फिल्डिंग देखा जाए के एल राहुल रोहित शर्मा यहाँ पर ओपन आएंगे दोनों का दोनों का फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है और देखा जाए हाल फिलहाल रोहित शर्मा ने थोड़ा सा सुधारने का प्रयास किया लेकिन टेस्ट में हमें लगता है कि बेहतर करना मुश्किल होगा तो हमारे टीम जो बनेगी ड्रीम इलेवन की तो के राहुल और रोहित शर्मा दोनों को जगह वहाँ पर नहीं मिल रही है मैं पिक नहीं करने वाला हूँ चतेश्वर पुजारा एक ऐसा बल्लेबाज जो डटकर खेलेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा विकटें गिरेगा फिर भी ये एक छोर संभाले रखेगा और धीरे धीरे ये रन बनाएगा तो चतेश्वर पुजारा की बात कहे हमारा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया विराट कोहली कोहली की बात कह बड़ा नाम है ये लेकिन कई बार मैं इनको ड्रॉप भी करता हूँ और कई बार मैं रिस्क लेता हूँ इन पर और अक्सर ये फॉलोअप भी चले जाते हैं लेकिन अभी जिस तरह के इनका फॉर्म है और अपने घर पे खेलेंगे विराट कोहली इंडिया पे तो यहाँ पर इनका फॉर्म अच्छा खासा है तो विराट कोहली की यहाँ पर पिक करेंगे बात की जाए सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल दोनों में से अगर यदि सूर्य कुमार यादव को टेस्ट में मौका मिलता है तो शायद मैं ड्रॉप करूँगा क्योंकि देखो सूर्य कुमार यादव का लास्ट के कुछ मैच देखोगे टी या फिर ओ थोड़ा सा फॉर्म इनका जो है गड़बड़ हुआ है और यहाँ पर टेस्ट खेलने वाले इंटरनेशनल में पहली बार तो हो सकता है इनको थोड़ा सा दिक्कत ही आ सकता है वैसे प्लेयर जबरदस्त है इनसे बेहतर हार्ड हिटर कोई नहीं है तो टेस्ट में हो सकता है सूर्य कुमार यादव बेहतर कर जाए लेकिन जहाँ तक है लगता है कि मैं इन्हें पिक नहीं कर पाऊंगा लेकिन हाँ शुभमन गिल अगर यदि खेले तो मैं इनको पिक कर लूँगा क्योंकि ये जिस तरह से न्यूजीलैंड में रन बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए तो काफ़ी अच्छा लगा रविंद्र जडेजा कैप्टन भाष के लिए बेस्ट ऑप्शन है हमेशा से ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की बड़ी साझेदारी विदेशों में काफ़ी ज़्यादा रन बनाए हैं हालांकि ऋषभ पंत आपको पता होगा एक एक्सीडेंट कार एक्सीडेंट के कारण वो थोड़ा सा दिक्कतें में थे तो वो नहीं खेलने वाले केस भरत को यहाँ पर मिला है ठीक ठाक रिकॉर्ड है फिर भी जी एल पर ट्राई करना अश्विन इम्पोर्टेंट है बल्लेबाजी भी काफी अभी देखा जाए काफ़ी बढ़िया ये कर लेते हैं और गेंदबाजी तो मत पूछो कितना ज़बरदस्त करते हैं अक्षर पटेल खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे लेकिन रविंद्र जडेजा और अश्विन का कैप्टन वाइस का महत्व थोड़ा सा घट जाएगा अगर यदि अक्षर खेलेगा क्योंकि तीन स्पिनर हो जाएगा तो यहाँ पर किनको मदद मिले हो सकता है अक्षर ज्यादा बिकट ले जाए तो ऐसी स्थिति में कैप्टन वाइस का ऑप्शन घट जाएगा रविंद्र जडेजा और अश्विन का लेकिन दोनों खेले तो बेस्ट है मोहम्मद समी का फॉर्म उतना बेहतर नहीं लेकिन काफ़ी बढ़िया प्लेयर है मोहम्मद सिराज ये शुरुआती झटके देगा कोई अगर यदि ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके सही तरीक़ा से दे सकता है तो वो अपना मोहम्मद सिराज है जिस तरह की ये लाइन में दिखाई दे रहे हैं बात करेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग प्लिंग इलेवन डेविड वार्नर ठीक ठाक प्लेयर है लेकिन इनका भी फॉर्म देखा जाए थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है तो इनको भी मैं ड्रॉप करने वाला हूँ इनके तुलना में उस्मान ख्वाजा को बिल्कुल पिक करूँगा इनका रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया है और इंडिया के खिलाफ बेहतर करना चाहिए लबुस चगने स्टीवन स्मिथ ट्रेवी सेड इन तीनों को आंख बंद करके आपको पिक करना ही होगा कैप्टन वॉस के बारे में जरूर सोचना चाहिए क्योंकि इनका रिकॉर्ड ही ऐसा कहता है कि कैप्टन वॉस दो इंडिया के पिच में स्पिनर के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा लेकिन तीनों का रिकॉर्ड बेस्ट है तो तीनों को तो पिक करूंगा लेकिन कैप्टन वॉस के बारे में सोच रहा कि इन तीनों में से किन को दे दूं पीटर हैंड्सकोम और इनके अलावा मेट्रेनसो इन दोनों में से कोई एक खेलेगा हालांकि जीएल पे ट्राई करेंगे एलेक्स कैरी विकेट कीपिंग में सेफ और सटीक ऑप्शन है इनके अलावा वेट कैमिन्स की बात की जाए तो ये इनका टेस्ट रिकॉर्ड काफ़ी ज़बरदस्त है और बल्ले से भी कुछ योगदान दे देते आपको पता होगा के 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 खिलाफ क्या टी ट्वेंटी में जबरदस्त इनिंग खेला तो ये अच्छा प्लेयर है ऑलराउंडर की भूमिका में हमेशा से रहते तो पेट कैमिन्स को पिक करूंगा स्पिनर को मदद है तो यहाँ पर क्या हो सकता है देखो नाथन लियोन एस्टोनि अगर दोनों खेलेंगे नाथन लियोन का रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है टेस्ट में तो नाथन लियोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इंडिया के पीछे स्पिनर को मदद है तो यहाँ पर ये दो फास्ट गेंदबाज खिलाएंगे पेट कमिंस और स्कॉट बोलैंड तो यहाँ पर नाथन लियोन काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं हालांकि इंडिया के बल्लेबाज स्पिनर को बेहतर खेल पाते हैं लेकिन दिक्कतें आएगी तो दोस्तों इंडिया भी हाल फिलहाल जो है टेस्ट की बात किया तो बांग्लादेश के खिलाफ खेल के आ रहा था इंडिया की गेंदबाजी इस प्रकार से उमेश यादव चार विकटे टीम का हिस्सा नहीं है जयदेव नाटकर दो विकटें ये भी टीम का हिस्सा नहीं है आर अश्विन चार विकटे ले टीम का हिस्सा इनके अलावा अक्षर पटेल यहाँ पर खाली हाथ लौटे इंडिया की बल्लेबाजी देखी जाए तो बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रहा लेकिन यहाँ पर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने तिरानवे और सतासी का बहुत बढ़िया यहाँ पर इनिंग खेली इनके बाद यहाँ पर देखा जाए इंडिया की दूसरी बार गेंदबाजी तो आर अश्विन दो अक्षर पटेल तीन और मोहम्मद सिराज को यहाँ पर दो विकेट यहाँ पर मिला था इंडिया की फिर से बल्लेबाजी आई फिर से बल्लेबाजी पूरी तरह से खराब रही यहाँ पर देख सकते हैं और श्रीष अय्यर उनतीस नाबाद आर अश्विन यहाँ पर बयालीस जरूर जड़े और टीम को विन कराए लेकिन शुरुआती क्रम पूरी तरह से बिखर गया था इनके अलावा दोस्तों फर्स्ट टेस्ट मुकाबला देखा जाए इंडिया भर्सेज बांग्लादेश के खिलाफ तो यहाँ पर इस प्रकार से रहा श्रीष अय्यर यहाँ पर छियासी रन हाई स्कोरर रहे इनके अलावा बांग्लादेश का इनिंग में यहाँ पर विकटे देखे जाए तो कुलदीप यादव पाँच विकटे मोहम्मद सिराज को तीन विकटें इंडिया की इनिंग में शुभमन गिल ने यहाँ पर एक रन और चेतेश्वर पुजारा ने एक रन की पारी खेली फिर से गेंदबाजी बांग्लादेश के खिलाफ किया तो यहाँ पर चार विकटें अक्षर कुलदीप यादव ने तीन विकटें जो कि हाईलाइटिंग रहा था इनके अलावा दोस्तों तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो 2021 में टेस्ट मुकाबला खेला था तो यहाँ पर क्या था लबुस चगने ने 108 रन की पारी खेली इनके अलावा टीम पेन यहाँ पर खेले थे फिफ्टी इनके अलावा क्रिस ग्रीन ने सैंतालीस जड़ा था इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में शार्दुल ठाकुर तीन और टी नटराजन ने भी यहाँ पर तीन विकेटे ले गए थे बात की जाए यहाँ पर इंडिया की इनिंग की तो यहाँ पर रोहित शर्मा चवालीस जड़े थे इनके अलावा कोई ज़्यादा खास नहीं कर पाए थे यहाँ पर लेकिन शार्दुल ठाकुर ने सड़सठ और सुंदर ने बासठ का योगदान दिया था फिर से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की देखी जाए गेंदबाजी में जोशे जलबुट पाँच विकटे दो विकटे पेट और स्टार्क ने ले गए फिर से ऑस्ट्रेलिया की इनिंग आई तो दूसरे इनिंग में यहाँ पर अड़तालीस डेविड वार्नर इनके अलावा स्टीवन स्मिथ ने यहाँ पर पचपन और लवुस चगनी ने पच्चीस का योगदान दिया था इंडिया की गेंदबाजी मोहम्मद सिराज पाँच विकटे शारदुल ठाकुर को चार विकेट इंडिया की दूसरी इनिंग शुभमन गिल यहाँ पर इक्यानवे रन चतेश्वर पुजारा यहाँ पर छप्पन रन तो ये रहा था स्कोर कार्ड देख सकते हैं पेट कमिंस चार विकेट यहाँ पर ले गए जो कि उच्चतम तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी लास्ट जो है वो ये टेस्ट मुकाबला साउथ अफ्रीका खेल के साउथ अफ्रीका खिलाफ खेल के आ रहे हैं एक रन की नाबाद पारी उस्मान ख्वाजा ने खेला और यहाँ पर स्टीवन स्मिथ ने एक सौ चार और ने सत्तर का योगदान दिया था लबुस चग ने एक का मस्ती यानी कि सारे बल्लेबाजों ने अच्छा खासा बल्लेबाजी किया गेंदबाजी देखी जाए तो जोश सेजलवुड चार विकेट पेट कैमिंस तीन और नाथन लिए उनको दो विकेट मिला था फिर से यहाँ पर इंडिया सॉरी यहाँ पर गेंदबाजी किया ऑस्ट्रेलिया ने तो एक विकेट जो सेजलवुड और पेट को भी एक विकेट इनके खिलाफ दोस्तों दूसरा टेस्ट मुकाबला देखा जाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क दो विकेट क्रिस ग्रीन ने यहाँ पर पाँच विकेट लिए कैमरोन ग्रीन क्रिस ग्रीन मैं बार बार कर रहा हूँ डेविड वार्नर ने यहाँ पर दोहरा शतक जड़ा था स्टीवन स्मिथ यहाँ पर पचासी ट्रेविस हेड इक्यावन एलेक्स कैरी ने एक रन की अच्छी पारी खेली फिर से यहाँ पर देखी जाए तो गेंदबाजी में नाथन लियोन तीन विकेट स्कॉट बोलैंड दो और उपरीकरम यानी कि बाकी सारे गेंदबाज को एक एक विकेट यहाँ पर मिला था तो मेरे भाई ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे सीधे कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इनसे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तो ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जैसे कि फ्री में टी शर्ट अपडेट डिस्काउंट जो भी था सारे लोगों मिला को मिला जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा था इनके अलावे भी कुछ जानकारी लेना इंस्टाग्राम पर मैसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ वो भी बेहतर तरीक़ा से विकेट कीपिंग में केस भारत अगर यदि खेलते हैं तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एलेक्स कह रही है ज्यादा यहाँ पर माइंड लगाने की जरूरत नहीं है स्टीवन स्मिथ मार्कस ने विराट कोहली इन तीनों को मैंने पिक किया इनके अलावा चेतेश्वर पुजारा उस्मान ख्वाजा को यहाँ पर पिक किया हूँ रविंद्र जडेजा आर अश्विन ट्रेबी सेट ये तीनों इम्पोर्टेंट अक्षर पटेल खेलेंगे तीन के बारे में सोचेंगे केमरून गिलीन खेलेंगे तो इनके बारे में सोचेंगे वो खेलने के बाद ही पता चलेगा पेट कैमिन यहाँ पर पिक किया हूँ मिचेल या इनके अलावा मोहम्मद सिराज को पिक किया हूँ लेकिन नाथन लेन को पिक करने का बहुत ज़्यादा इच्छा कर रहा हैं क्योंकि इंडिया के पिच पर टेस्ट में देखा जाए स्पिनर को मदद है और नाथन लियोन काफ़ी बढ़िया स्पिनर है इनका टेस्ट रिकॉर्ड भी काफ़ी बढ़िया है विदेशों में ये अपने घर पे भी विकटे लेते हैं तो किसी कारण मैं इनको पिक करने का प्रयास करूँगा कैप्टन भाज कैप्टन भाईज के लिए देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं स्टीवन स्मिथ मार्कस लबुस जगने इनके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेविस हेड है इनके अलावा दोनों अपना स्पिनर आर अश्विन रविंद्र जडेजा अगर यदि मज़ेदार टीम बनाना चाहते हैं तो विराट कोहली कैप्टन इनके अलावा चेतेश्वर पुजारा भी बेहतर है लेकिन विराट कोहली चेतेश्वर पुजारा को मैं क्यों कैप्टन नहीं देता हूँ देखो बाकी लोग इनको कैप्टन करके आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर कोई अन्य कर सकता है तो यहाँ पर थोड़ा सा विन करने के चांस बन जाते हैं तो खैर कोई नहीं तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए आप ये टीम सेव करके कर रख लो इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग एलेवन पे तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ